क्रिकेट का सीजन शुरू हुआ नहीं कि एक बार फिर से मुझे काम पर लगा दिया गया। जी हां, नमस्कार, मैं हूं आपका आरजे प्रवीण, लेकर आपके लिए स्टेडियम स्टोरीज में ओ माय गॉड मोमेंट्स। ये मोमेंट्स के बारे में हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे दोस्त के एक ओएमजी मोमेंट की बात कर लेते हैं। जी हां, मेरे दोस्त ने 500 सीसी की बाइक खरीदी। वो बाइक फट 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 बहुत आवाज करती थी। मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड पीछे बैठी थी बाइक पे। जब वो गर्लफ्रेंड मेरे दोस्त को कुछ कहती सुनाई नहीं देता था, इसलिए उसने अपनी 500 सीसी की जो बाइक थी वो बेच करके स्कूटी ले ली। एंड दोनों की शादी हुई। शादी के एक साल के बाद ही मेरे दोस्त ने अपनी स्कूटी बेच करके दोबारा से 500 सीसी की बाइक ले ली है। इसमें जोक कहाँ है ये आप खोज के निकालिए। तब तक मैं आपको सुनाता हूं और दिखाता हूं ओएमजी मोमेंट्स, वो भी टॉप 3 वाले। ये सीजन 13th का मैच था बिटवीन पंजाब एंड राजस्थान। संजू सैमसन ने एक शॉट मारा जिस पर 6 यानी कि 6 लिखा था। इनफैक्ट बॉल जो है वो बाउंड्री को पार भी कर गई थी, पर 6 हुआ नहीं क्योंकि सामने थे निकोलस पूरन, जिन्होंने ऐसी फील्डिंग करी जो शायद पहले कभी नहीं देखा गया है। हैव अ लुक। भाई साहब, ये वाली फील्डिंग ना हम भी करते थे। हाँ, आपने भी करी है। जैसे ही मेहमान घर से बाहर गए ने कि कूद पड़ते थे हम मिठाइयों पर, कचौड़ियों पर। अब आते हैं दूसरे वाले मोमेंट पर। ये वाला मोमेंट सीजन 14 के मैच में देखने को मिला था, जब दिल्ली का मैच कोलकाता से हुआ। अंडर 19 के जो सुपरस्टार थे, सेंसेशन शिवम मावी, उन्होंने कोलकाता के लिए बॉलिंग जो है वो ओपन की, और वो एक ओवर ही उनका आखिरी ओवर भी रहा, क्योंकि 6 बॉल में 6 छक्के तो नहीं, लेकिन पृथ्वी शॉ ने 6 चौके जरूर मारे थे उनको। ये देखिए, देखिए जिस स्पीड में वीडियो देखा आपने, उसी स्पीड में आप भी एक्शन में आते हो। जैसे ही वो कहती है आज घर पर कोई नहीं है, ये वाला जो मोमेंट है वो सीजन 14 से है, यानी कि इसी साल 17 अप्रैल को ये देखा था हमने। मैच था बिटवीन मुंबई एंड हैदराबाद। डेविड वार्नर ने एक बाउंड्री मारी, बट मोर देन द बाउंड्री जो चीज लोगों को हमेशा हमेशा याद रह गई वो थी ट्रेंट बोल्ट की कमाल की फील्डिंग। ऐसा लग रहा है ना जैसे ट्रेंट बोल्ट मजाक उड़ा रहे हैं। बैंगलोर की टीम का जो हर टूर्नामेंट में ऐसे ही रफ्तार में एकदम तेजी में भागती रहती है, पर एंड तक आते आते फट सब कुछ खत्म हो जाता है। Alright, so with this we come to the end of this week's episode of Oh My God Moments in Stadium Stories. आप कमेंट सेक्शन में बताना इस टूर्नामेंट के और कौन से मोमेंट को लेकर के हम बातचीत कर सकते हैं। Till then, मैं आरजे प्रवीण आप सबसे बाय बाय कहूंगा। 3.5 बजाते रहो।